और एक निवेदन आप सबसे करूंगा, जिसके घर में क्लेश ज्यादा मचता हो, बहुत ज्यादा क्लेश मच रहा हो, बहुत ज्यादा झगड़े होते हो, बहुत ज्यादा, तो महाराज शंकर भगवान पर थोड़ा सा चावल एक कटोरी में गला लो, थोड़ा सा चावल गला, गला पर उसको पीस लो, पीस कर उस चावल में थोड़ा सा चंदन, थोड़ी सी हल्दी डाल लो, उसका उपटन तैयार करो। बुधवार के दिन, कोई भी बुधवार, शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर उस चावल का लेपन करो, 7 लोटा पानी, मात्र 7 सेवन, 7 लोटा पानी शंकर को समर्पित करो, शिव को समर्पित, अपनी कामना कर अपना भाव रख। जब वापिस चलो, जिस कटोरी में से भगवान शंकर को आपने उपटन लगाया था, वही कटोरी घर लेकर आओ। घर के मूल मूल स्थान जो भी हैं, हर हॉल में, कमरे में, उसकी एक एक बिंदी लगा दीजिए। मात्र 3 बुधवार आप कर लीजिए, आपके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता। भूमि का कितना भी दोष होगा, सिद्ध हो। जिस घर में रुपया आ रहा है, जा रहा है, 1 रुपए कमा रहे हो, 1/2 रुपए खर्च हो रहा है, घर में पैसा नहीं दिख रहा, व्यापार तो अच्छा कर रहे हो, घर में 4-4 लोग कमा रहे हैं, सब कोई मिलकर कमा रहा है, तो भी पैसा नहीं दिख रहा, तो भी धन नहीं दिख रहा, रुपया नहीं दिख रहा। महाराज, अगर धन संचिता में नहीं पड़ रहा हो, धन संचिता में नहीं आ रहा, तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, तिल्ली का लेपन। तिल्ली, काले कलर की तिल को लेकर उसके साथ में थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा चावल, और हमारे यहां चावल के साथ में चावल की धान आती है, आपको बाजार में मिल जाएगी चावल की धान, जिसको जौ का भाग अलग हो जाता है, जौ गेहूं की हो जाती है, पर चावल की धान कहते हैं उसको। इन तीनों को एक कटोरी में रख लो, तीनों को, पानी में गलाना नहीं है, बस कटोरी में रख लो। महाराज दरवाजे के नजदीक में, जब दरवाजे से अपन बाहर निकलते हैं तो उल्टे भाग में उसको रख दिया जाए। घर से 1 लोटा पानी जिसमें कच्चा दूध मिला हो, वो कटोरी शनिवार के दिन रखकर, रविवार को उठाकर ले जाकर कलश नीचे रखकर, सीधे हाथ में कटोरी रखकर शंकर जी को समर्पित कर दो, जल चढ़ा दीजिए, बाबा भोलेनाथ के जो चरण पादुका है, उस पादुका में वही तिल्ली, वही चावल का भात, वही जौ, जो आप चावल का धान बोलेंगे, धान, उसको लेकर दोनों भाग पर समर्पित कर दो। आते समय वो दोनों भाग पर चढ़ी हुई तीनों चीजें उठाकर लेकर आ जाइए, दुकान में, व्यापार में, व्यवसाय वाली जगह पर उसको रख दीजिए। कभी जिंदगी में संपदा कम नहीं होगी, वहां संपदा बढ़ेगी। 3 रविवार आपको करना है सुख की प्राप्ति के लिए, ये भूमि के दोष को मिटाने के लिए। आपको कथा में पहले भी कहा था, 12 नक्षत्र, समय, घड़ी, पल, दिन, ये जितने भी बनाए हैं मेरे महादेव ने बनाए, मेरे शंकर ने निर्मित किए, एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक क्षण शिव बनाता। 4 महीने चतुर्मास के भगवान विष्णु देव सोनी एकादशी पर जब सोने जाते हैं, तो भगवान शंकर को बुलाकर कहते हैं, ये 4 महीने जितना दान पुण्य सत्कर्म संकीर्तन भजन कीर्तन जो होगा शंकर, ये मैं नहीं करा सकता, तुम करा सकते। इसलिए चतुर्मास की शुरुआत ही श्रावण से, इसलिए चतुर्मास की शुरुआत ही श्रावण से। शंकर कहते हैं, पहले जल में चढ़वाता हूं, पहले मैं भजन करवाता हूं, स्मरण करवाता हूं, कीर्तन करवाता हूं, जितना भजन दान पुण्य स्मरण नाम कीर्तन जो होगा चतुर्मास के अंतर्गत, वो सब देव भाग को प्राप्त होगा, पितरों को, पूर्वजों को, आहूतों को। दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, चाहे गौ माता को दो, चाहे बहन बेटी को दो, चाहे किसी भिक्षुक को कुछ दो, उस समय तुम्हारे चेहरे पर सल नहीं होना चाहिए, उस समय तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी नैनों में अश्रु नहीं होना चाहिए, उस समय तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। घर पर बहन बेटी आ जाए, और बहन बेटी राखी बांधने आई, बहन बेटी 30 त्योहार पर आई, और तुमने 1 साड़ी दी, या 500 रुपए दिए, या 1000 रुपए दिए, या 2000 रुपए दिए, और भाभी का मुंह भगोने जैसा हो गया, चेहरा उतरा हुआ, भाई राखी बंधवाने बैठा तो पहले जेब में अंदर से जाकर पत्नी से पूछ कर आया, इसको 500 देना है कि 300 देना है। राखी बंधवाने से पहले, पांटे पर बैठने से पहले, आसन पर बैठने से पहले
सोफे पर बैठने से पहले जब भाई राखी बंधवाने बैठता है तो पहले अंदर जाकर अपनी धर्मपत्नी से पूछता कितने देना है। क्यों भैया? कमा तू रहा है, ला तू रहा है, तो फिर धर्मपत्नी से क्यों पूछा कि कितना देना है? पत्नी को यह कहना था आज मेरा मन है बहन साल भर से नहीं आई, कुछ तो लॉकडाउन में चार महीने से फोन तक पे बात ही बात होती रही, आई नहीं, एक साल हो गया, मेरा मन कर रहा है आज मेरी बहन को मैं 2000 रुपए दे दूं, साड़ी के भी हो जाएंगे, चूड़ी के भी हो जाएंगे और देना हो जाएगा, आज मेरा मन कर रहा है। तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें बताना चाहिए। और अगर पत्नी को कहे पति कि तुम 2000 रुपए दे रहे हो तो धर्म पत्नी का फर्ज है, धर्म पत्नी का फर्ज है, क्योंकि तुम भी किसी की बहन हो, तुम भी किसी की बेटी हो, तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपने पति को कहो सुनो 2100 दो, मना नहीं है, 500 रुपए अलग से चूड़ी के दे दो, 500 रुपए अलग से बहन बेटी आई है तो गाड़ी का किराया दे दो। ये जब धर्म पत्नी अपने पति को कहेगी पति के चेहरे पर प्रसन्नता होगी। मुझे उम्मीद है आज आप अपनी ननद को दे रहे हो तो आप जब अपने मायके जाओगे तो आपकी भी भाभी इतना ही सम्मान देगी। क्यों? एक उंगली जो हम किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर जाती है, हम एक के लिए अगर व्यवस्था करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी व्यवस्था भी पूर्णता में हो पाती है, आपकी व्यवस्था, आपका भाव, आपका आनंद। आप किसी के लिए अगर समर्पित हो रहे हो, आप किसी के लिए समर्पण कर रहे हो, आप किसी के लिए अग्रणी हो रहे हो तो वहां से पूर्णता का अग्रणी का भाव तुमको भी प्राप्त होगा। रक्षाबंधन पर भाई राखी बंधवाने बैठ रहा है तो धर्मपत्नी से पूछ रहा है कितने रुपए देना है। प्राण छूटने के बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी से पूछे बता इसको नरक भेजू किस स्वर्ग? अरे बोलो तो रे भाई, भगवान विष्णु अगर अपनी पत्नी से राय ले तो भोलेनाथ देने से पहले पार्वती से राय ले तो इंद्र कार्य संभालने से पहले इंद्राणी से राय ले तो ब्रह्मा ब्रह्माणी से राय ले तो नहीं, नहीं। अगर यमराज अपनी धर्मपत्नी दक्षिण से पूछे ए दक्षिणा तू बता कि ये जो मरा है इसको मैं स्वर्ग भेजूं कि नर, तो सबसे ज्यादा अगर दक्षिणा देवी बोलेगी तो एक ही बात बोलेगी यमराज की पत्नी, एक काम करिए इसको नरक भेज दो। क्यों? क्योंकि ये कभी दक्षिण मुख कर कोई काम ही नहीं करा। बोलो दक्षिण मुख करके कौन कार्य करता है? दक्षिण मुख करके कौन पूजन करता है? दक्षिण मुख करके कौन स्मरण करता है? दक्षिण मुख करके कौन सेवा करता है? तो दक्षिणा को तो क्रोध आना चाहिए कि ये कभी मेरी ओर मुंह करके कभी भजन नहीं करा, इसने कभी मेरी ओर मुंह कर मेरे को देखा तक नहीं, कभी मेरी ओर मुख नहीं करा, तो दक्षिणा देवी तो क्रोध में आकर बोल देगी इसको नरक भेज दो। पर यमराज जब मृत्यु का दंड देता है, यमराज जब प्राणों को हरता है अपनी पत्नी से नहीं पूछता, भगवान विष्णु लक्ष्मी से नहीं पूछते कि इसको क्या देना है, ब्रह्मा ब्रह्माणी से नहीं पूछते कि इसको क्या देना है, इंद्र इंद्राणी से नहीं पूछते कि क्या देना है, शंकर पार्वती से नहीं पूछते कि क्या देना है, तब केवल उनकी विचार धारणा केवल वही देखा जाता है कि उसका भाव कितना, उसके भाव की सिद्धता कितनी। पर आज का जमाना बहन जैसे ही आई राखी बांधने, भैया चलो बैठो पाटे पे, अंदर अभी आया, अंदर गया, इतने देना साड़ी रखी है मैंने निकाल दी है, धर्मपत्नी कहती है साड़ी निकाल दी मैंने, ये साड़ी दे देना, और सुनो साड़ी पे बस 500 रुपए रख देना, बहुत है, साड़ी भी तो दे रहे हैं, और ये तूने जो अपनी ननंद के साथ करा अब तू अपने मायके जा और तेरी भाभी तेरे साथ करे तो तुझे कैसा लगेगा? तीन को देने से कभी नहीं घटता, शिव महापुराण की कथा कहती है। पहला बहन बेटी को देने से, दूसरा गौ माता को देने से, तीसरा संत ब्राह्मण को देने से कभी नहीं घटता महाराज, बढ़ेगा घटेगा नहीं। बहन बेटी को देने से कभी घटता नहीं है, तुमने जो दिया उसका 4 गुना अगले साल तक तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। गौ माता को 1 रोटी दी है, गौ माता के निमित्त से 1 रुपया निकाला है, गौ माता के निमित्त से 1 रुपया भी अगर तुमने दान करा है पुण्य करा है उसके निमित्त का अगले वर्ष तक यही तारीख लिख कर रखना, कितना पुण्य प्राप्त होता है, कितना फल प्राप्त होता है, कितनी लक्ष्मी प्राप्त होती है, देने से घटता नहीं है। तीसरा संत ब्राह्मण को देने से कभी घटता नहीं है, आपने जो दिया उसका 1000 गुना आपको प्राप्त हो जाता है, 1000 गुना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्।
श्री सब्सक्राइब करें शिवाय नमस्तु को हम श्री शिवाय नमस्तु को हम।